हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हम लोग फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे थे। आज दोस्तों, हम लोग ऊष्मा का संचरण यानी हीट ट्रांजेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की जो दर होती है, परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, किसी धातु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है। यदि विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल ऊष्मीय ऊर्जा आपतित हो तो वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपका होता है अवशोषकता बराबर अवशोषित विकिरण बटे कुल आपतित विकिरण। होता है अवशोषकता बराबर अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण बटे होता है कुल आपतित विकिरण। और जो आपका अवशोषकता होता है, वही आपकी कुल ऊर्जा होती है, यानी वस्तु जो ऊर्जा में वृद्धि होती है, वही आपका अवशोषित विकिरण होता है। तो अवशोषित विकिरण बराबर आपका हो जाएगा अवशोषकता गुणे कुल आपतित विकिरण। अब अवशोषकता का मान 0.8 दे दिया है और कुल आपतित विकिरण का मान 5 दे दिया है, तो 0.8 का 5 में गुणा करेंगे तो 0.4 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है, क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, ऑप्शन सी सूर्य चमकदार होता है, ऑप्शन डी किरणें तेजी से आती हैं। तो सूर्य के दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों को अधिक गर्मी होती है। इसका यह वजह है कि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, पूर्णतः कृष्णपिंड की अवशोषकता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी 5। तो पूर्णतः कृष्णपिंड की अवशोषकता 1 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी सभी में। तो चाय बनाने में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है। ऑप्शन ए संवहन द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी सभी में समान। तो ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित विकिरण द्वारा होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी। तो आपको निकालना है परावर्तित विकिरण। तो आपका होता है परावर्तित विकिरण बराबर होता है आपतित विकिरण माइनस होता है अवशोषित विकिरण। लेकिन आपको आपतित विकिरण तो दे दिया है 10 जूल, लेकिन अवशोषित विकिरण नहीं पता है। तो आपका जो अवशोषित विकिरण हो जाता है अवशोषकता गुणे कुल आपतित विकिरण। अब अवशोषकता आपको दे दिया 0.4 और कुल आपतित विकिरण दे दिया 10, तो यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब तो हम निकाल सकते हैं परावर्तित विकिरण, तो हो जाएगा परावर्तित विकिरण बराबर आपतित विकिरण 10 दे दिया है माइनस अवशोषित विकिरण आपने कितना निकाला 4, तो 10 में 4 घटाएंगे 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। पिंड का ताप 3 गुना कर रहा है उत्सर्जित विकिरण की दर, तो जो आपका उत्सर्जित विकिरण की दर होता है
परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। बोला है 3 गुना कर दिया, यानी टी की वैल्यू 3 अगर कर देते हैं तो 3 पे पावर 4 कितना 81 गुनी हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दे तो उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी। तो जो आपका उत्सर्जित ऊष्मा की दर होता है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप टी का मान कितना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, यानी टी के जगह पर अगर आप 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी जिसका आकार एवं माप समान है, यदि ए में बी की अपेक्षा 4 गुनी हो उष्मा का विकिरण होता है, यदि ए का ताप 190 डिग्री सेल्सियस हो तो बी का तापमान है। तो आपको पता है कि E1 बटे E2 बराबर होता है T1 पे पावर 4 अपॉन T2 पावर 4। अब E1 बटे E2 का मान दे दिया है 4, तो T1 पे पावर 4 अपॉन T2 पावर 4 बराबर 4, तो यहाँ से आप T1 अपॉन T2 निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। अब इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो जो बी का तापमान आएगा 56 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उष्मी विकिरण का अपवर्तन तथा परावर्तन ऑप्शन ए प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता, ऑप्शन बी नहीं होता, ऑप्शन सी परिस्थितियों के अनुसार कभी होता है कभी नहीं होता है, ऑप्शन डी प्रकाश के नियमों के अनुसार। तो उष्मी विकिरण का जो अपवर्तन तथा परावर्तन होता है प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रवाह निर्भर करता है ऑप्शन ए उनकी मात्रा पर, ऑप्शन बी उनके आयतन पर, ऑप्शन सी उनके तापांतर पर, ऑप्शन डी उनकी विशिष्ट उष्मा पर। तो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह उनकी मात्रा पर निर्भर करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उष्मीय विकिरण की चाल होती है ऑप्शन ए प्रकाश की चाल के बराबर, ऑप्शन बी प्रकाश की चाल के आधे के बराबर, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उष्मीय विकिरण की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी चालन एवं संवहन द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से पहुंचती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्रव को शीघ्र शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी ऑप्शन ए मध्य में, ऑप्शन बी कहीं भी, ऑप्शन सी शीर्ष पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी द्रव को शीघ्र शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था शीर्ष पर लगानी होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है तो उसकी अवशोषकता होगी ऑप्शन ए 1/E, ऑप्शन बी आपका है ई, ऑप्शन सी आपका है 1-E और ऑप्शन डी है ई गुणे ई। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है तो उसकी जो अवशोषकता होगी वो अभी ई होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने पर समीकरण है, तो जो यांत्रिक कार्य डब्लू और उत्पन्न ऊष्मा एच में जो संबंध होता है W×H=J, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण 84 जूल है, इसमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो पृष्ठ की अवशोषकता बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अवशोषकता होता है वो होता है अवशोषित विकिरण बटे होता है आपतित विकिरण। तो आपका जो अवशोषित विकिरण दिया है वो 24, तो यहाँ पर 24 रख दीजिए, बटे आपतित विकिरण का मान 84 है तो 84 रख देंगे। तो 4 से काटिए तो 4 से 24, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, फिर 3 से 3 × 2 = 6, फिर 3 से 7 = 21। 2/7 को आप सॉल्व करेंगे जो 0.28 आएगा, ये दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 0.28 होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये 0.28 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था ऑप्शन ए जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी डॉक्टर डी जून ने, ऑप्शन सी रूडोल्फ डीजल ने,
ऑप्शन डी न्यू कामन ने तो उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था, जेम्स वाट ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी पिंड का परमताप 4 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो उत्सर्जित विकिरण की जो दर होती है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। बोला है 4 गुना कर दिया, यानी टी को 4 टी कर दिया जाए तो 4 पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया उष्मा के संचरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज से दोस्तों जितने भी मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करवाए हैं इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ का NCERT पैटर्न पर साइंस और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। जो कोई भी आपका भाई, आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव क्लास नाइन्थ या टेंथ का NCERT पैटर्न पर तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से तैयारी कर सकता है। सुबह 6 से 7 के बीच क्लास नाइन्थ की क्लासेस चलती हैं और 7 से 8 के बीच क्लास टेंथ की क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस इनिशिएटिव को अपने भाई, रिलेटिव और फ्रेंड्स को बताइएगा जो क्लास नाइन्थ और टेंथ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।